सबसे पहले तो ना, जो पिछले लेक्चर में जो कि हमारा रोम का थर्ड लेक्चर था ना, उसके अंदर जो हमने कुछ बातें की थी तब वो, और फोर्थ में भी, और जो उसमें ओवरऑल दो तीन चीज़ें हैं वो डिस्कस यहाँ करूँगा, क्योंकि वो करेक्शंस करनी है मैंने, तो मैंने कहा वो यहाँ सबसे पहले वो कर लें फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्रिश्चियंस की जो बात की थी और उनके स्क्रिप्चर्स की और ज्यूज के स्क्रिप्चर्स की बात की थी, वो ज़रा स्ट्रक्चर क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने, मुझे भी तब इतना क्लियर नहीं था, मैंने जितना बताया मुझे फील हुआ कि उसमें मिस हो गई कुछ बातें। जो ज्यूज है ना वो मानते हैं हेब्रू बाइबल, ठीक है, हेब्रू बाइबल को हम तनाक भी कहते हैं, हेब्रू में तनाक कहा जाता है, और ओल्ड टेस्टिमेंट भी कहते हैं, और हेब्रू बाइबल के अंदर तीन चीजें आती हैं, या तनाक के अंदर हम तनाक कहेंगे, हेब्रू बाइबल नहीं हुआ, बाइबल क्रिश्चियंस की, तो हम ज्यूज की जो बुक है उसको तनाक कहेंगे। तनाक के अंदर तीन चीजें आती हैं, तौरा, इन्होंने यहाँ दिखाई भी हुई है, तौरा, प्रॉफिट्स की जो बुक्स हैं, और राइटिंग्स है एक उनकी बुक्स है, तो उनकी तीन किस्म की मेन बुक्स हैं, तौरा की किताबें हैं, प्रॉफिट्स की किताबें हैं, और एक हिस्ट्रीज और राइटिंग्स हैं, वो एक अलग बुक है, और इनके एक्चुअल नेम, वो नाम जरा इस तरह हैं कि जो तौरा है उसके अंदर पांच किताबें आ जाती हैं जो कि नजर आ रही होंगी, जो प्रॉफिट्स है उसका, जो उसको नवीम कहते हैं, और जो राइटिंग है उसको कुतुबीम कहते हैं, तो कुतुबीम के अंदर राइटिंग और हिस्ट्री और प्रोफेसीज और ये चीजें हैं, नवीम के अंदर नबियों की किताबें हैं और ये नबियों की कहानियां हैं इससे ज्यादातर, और तौरा के अंदर जो पांच किताबें, हजरत मूसेस का लॉ जिसको कहा जाता है, हजरत मूसा ने इनके हिसाब से ज्यूज के हिसाब से लिखी थी, वो पांच किताबें तौरा की, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और डेउट्रोनॉमी यहाँ पे नजर आ रहा हो, तो ये तनाक का सेक्शन बनता है। तो तनाक के अंदर तीन चीजें, तौरा, नवीम और कुतुबी, और ये बेसिकली ओल्ड टेस्टिमेंट भी इसको ही कहते हैं, हेब्रू बाइबल भी इसी को कहते हैं, तनाक भी इसी को कहते हैं, और ये ज्यूज की मेन किताब है, और इसके साथ आ जाती है तैलमूद। तैलमूद के बारे में पहले बात की हुई है, लेकिन तैलमूद जो है उनकी एक किस्म की रैबाइज जो है तफसीर करते हैं और लॉज निकालते हैं जो तौरा के अंदर से और इन किताबों के अंदर से, वो है। तो बेसिकली ये दो किताबें, तनाक और तैलमूद, और तनाक के अंदर तीन सेक्शन हैं बताएं, और उनके अंदर फिर और किताबें आ जाती हैं, तो टोटल तनाक के अंदर आती हैं 24 बुक्स, ये इनकी किताबें ज्यूज की, इनका स्ट्रक्चर काफी आसान है इस सेंस। लेकिन जो क्रिश्चियंस है ना, उनके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जो बाइबल है, न्यू टेस्टिमेंट में और ओल्ड टेस्टिमेंट में। ओल्ड टेस्टिमेंट अभी हमने बात की कि तनाक को ओल्ड टेस्टिमेंट भी कहते हैं, अब तनाक को ओल्ड टेस्टिमेंट जरूर कहते हैं, लेकिन जो ओल्ड टेस्टिमेंट बाइबल के अंदर है वो, और जो तनाक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब ये है कि जो तनाक का ऑर्डर है ना, जो हेब्रू बाइबल का ऑर्डर होगा वो सीक्वेंस और है, और ओल्ड टेस्टिमेंट जो बाइबल ही है उसको सीक्वेंस और है, किताबें सेम है सीक्वेंस वार है, और यहाँ पे ओल्ड टेस्टिमेंट में वो किताबों को मतलब उन्होंने सिंगल सिंगल किताब ज्यादा माना हुआ, वहां पे दो दो तीन तीन किताबें उन्होंने जोड़ी हुई हैं तनाक के अंदर, तो इन अदर वर्ड्स ओल्ड टेस्टिमेंट और तनाक एक ही चीज है, लेकिन जो ओल्ड टेस्टिमेंट बाइबल वाली है और जो तनाक यूज किया है उसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, सीक्वेंस फर्क है, और उसके साथ साथ जो किताबों की नंबरिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ किताबों को जो नवीन की किताबें हैं ना उनको इकट्ठा किया हुआ उन्होंने जो तनाक के अंदर, और उन्होंने उनको एक किताब माना और अदर के उसको अलग माना, तो इसकी ओल्ड टेस्टिमेंट की टोटल किताबें उसमें वही तौरा की आ जाती है जो द लॉ लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस जो ऊपर है, और नीचे हिस्ट्रीज आ जाती हैं, नबियों की कहानियां, और ये फिर आखिर जो विजडम लिटरेचर वगैरह ये वो है, ये आपका कुतुबीम है, तो तौरा, नवीम, कुतुबीम है, वही स्ट्रक्चर, किताबें थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे, तो ओल्ड टेस्टिमेंट की 39 बुक्स उधर वो थी, और तना की 24 बुक्स, तो इनका रेफ है, किताबें ये वही हैं सारी टोटल, लेकिन इन्होंने इनका सीक्वेंस और इनके, इन्होंने किताबों को सब डिवाइड किया, बस इनकी तादाद ज्यादा है ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल की। और फिर न्यू टेस्टमेंट आया, न्यू टेस्टमेंट के अंदर आ जाती हैं चार गॉस्पल्स, ये हमने पहले बात की कि चार गॉस्पल्स आ जाती हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स आ जाते हैं जिसको अर्ली चर्च हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, जो कि, और उसके बाद लेटर्स आ जाते हैं, ये लेटर्स जितने ये पॉल ने लिखे हुए हैं, ठीक है, 14 लेटर्स हैं इसके अंदर, ये लेटर्स मेनली पॉल की तरफ से, और एंड पे आ जाती है प्रोफेसी आ जाती है, तो ये इसकी तीन, इसमें भी चार सेकंड में डिवाइडेड है, लेकिन ये न्यू टेस्टिमेंट जो है ये बेसिकली गॉस्पेल्स हैं जिसको हम इंजील कहते हैं, चार गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, और फिर वो मैंने बताया था कि वो नरेशन है उनकी और रिकॉर्ड किसी ने की हुई है, और उसके बाद ये अपोस्टल्स जो इन्होंने तबलीग की और ये मेन वो लोग हैं, और फिर पॉल की किताबें जो लेटर्स नजर आ रहे हैं सारे पॉल की किताब, तो मेन बाइबल की जो न्यू टेस्टिमेंट की चंक है वो पॉल की है, और गॉस्पेल्स के अंदर हमें हजरत ईसा की कहानी मिलती है, जो चार गॉस्पेल हैं, बाकी जो हैं ये सारी, इसमें कहीं हजरत ईसा का जिक्र जरूर है ऑब्वियसली, लेकिन मैसेजेस के लिए ज्यादा, सिस्टम को फैलाने के लिए गॉस्पेल में हजरत ईसा की कहानी मौजूद है, और
ये जो अब गॉस्पेल और इनका स्ट्रक्चर है ना सारा, ये अब होपफुली यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ये 27 बुक्स बनाते हैं टोटल, ठीक है, यहाँ पे गिनेंगे तो 27 बनेगी, 27 बुक्स। सो ज्यूज की तनाख की 24 किताबें, और जो बाइबल की है ना वो 39 बुक्स ओल्ड टेस्टिमेंट की हैं और 27 बुक्स न्यू टेस्टिमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो पूछ। क्लियर है यहां तक तो? क्लियर है, चले। इसमें ये भी एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारी है, क्योंकि हमें पता है चार मेन स्क्रिप्चर्स तो आए हैं ना कुरान को अगर निकालें तो तीन बन जाते हैं, तो उसमें तौरा है, तौरा है, वो ओल्ड टेस्टिमेंट का हिस्सा, ठीक है। जबूर जो है वो भी ओल्ड टेस्टिमेंट का हिस्सा है, जबूर भी कुतुबीन का हिस्सा जो हजरत, और उसके बाद आ जाती है आपकी इंजील। इंजील जो है वो न्यू टेस्टामेंट इंजील नहीं है, गॉस्पेल्स को हम इंजील कहते हैं, लेकिन जो असल इंजील थी ना वो हमें मानना पड़ेगा कि वो मोस्ट लाइकली जो असल इंजील की किताबें थी ना वो गुम गई, या वो गुम गई करप्ट तो वो हुई थी लेकिन वो गुम गई है, असल इंजील नहीं मिली हमें कहीं पर भी, क्योंकि गॉस्पेल जो है ये मार्क मैथ्यू ल्यूक जॉन ने लिखी नहीं थी, वैसे भी नरेशन थी, तो जो असल इंजील एक्चुअल इंजील की किताब थी वो जो हजरत ईसा के ऊपर आई थी वो लॉस्ट टू हिस्ट्री समझ, कि उसका वो किसी न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा भी नहीं है वो। ये तो गॉस्पेल हमें पता है कि किसी और लोगों ने लिखी, तो असल गॉस्पेल किधर गई, क्या हुआ उसकी, तो यानी तौरा की तो करप्शन हुई है ना, और जबूर की भी, लेकिन इंजील का लॉस्ट टू हिस्ट्री का समझेंगे उसको मोस्ट लाइकली। तो ये होपफुली ये पिछली जो मिस चीजें की थी मैंने वो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आगे आ जाते हैं, हमारी एक अच्छा, और क्वेश्चन कर लो एक पीछे से। एक मिनट, ये प्रोफेसी जो है, ये जो आपने जो प्रोफेसी जो है इसके नीचे लिखा है ना रेवलेशन, तो ये कोई, ये मतलब वही वाली है, वही किताबें मतलब आपने कहा ना कि इंजील तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये तो रेवलेशन का मतलब तो ये ना कि अल्लाह की तरफ से है ना कि नहीं। नहीं, ये रेवलेशन शायद ये प्रॉपर्टी और रेवलेशन उस सेंस में भी कहते हैं ना, हमारा कि मतलब रिवील ऊपर तो नहीं आया, मैसेज जो आया ना, तो ये उसको एग्जैक्टली अल्लाह की तरफ से तो नहीं मानते, और ये आई थिंक इसमें प्रोफेसीज होंगी ज्यादा, मुझे एग्जैक्टली पता कि इनका कंटेंट क्या है किताबों के अंदर, लेकिन इसमें प्रोफेसीज हैं ये, वही हजरत ईसा के आने का और सारा उसमें मेंशन होती है क्रिश्चियंस का बिलीव, क्योंकि गॉस्पेल्स में हजरत ईसा की कहानी है, एक्ट्स में जो है वो अपोसल्स के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, लेटर्स जो है वो पॉल साहब ने खुद लिखे थे, तो एंड पे प्रोफेसी रह जाती है जिसमें हजरत ईसा का जिक्र और फ्यूचर के बारे में बातें हुई होंगी, जो प्रोफेसीज की थी जो भी हुआ था ये होगा आने वाले टाइम। ठीक है, ठीक अब हम आ जाते हैं एक और पीछे, जो मिस्टेक हुई थी वो मैंने उसमें से ग्रुप में जरूर क्लियर की थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, कि जो ये जूलियस सीजर का ग्रैंड सन था, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड नेफ्यू, सॉरी ग्रैंड सन कह रहा हूँ, ग्रैंड नेफ्यू और अडॉप्टेड सन जो था, जिसको हम सीजर अगस्टस कहते हैं, जो कि पहला एम्परर ऑफ रोम, अगस्टस जो था ना उसको हमने कहा था कि उसके कॉइन्स मिंट कराए थे डिवनी फिलियस के टाइटल के साथ, क्योंकि उसने अपने आप को सन ऑफ गॉड डिक्लेयर किया था। अब सन ऑफ गॉड उसने किस तरह डिक्लेयर किया था, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो जूलियस सीजर था ना, जो पहले इससे एम्परर रहा था रोम का, या डिक्टेटर था, एम्पायर से पहले जो डिक्टेटर बन गया था रोम के अंदर, जूलियस सीजर को कॉम ने, जो उसकी रोमन्स थे, उन्होंने उसको गॉड मानना शुरू कर दिया, और उस जमाने में गॉड्स को यही था कि गॉड जो है वो एक सुपर पावर, सुपर नेचुरल बींग होता था, ये नहीं होता था कि वो ऑल पावरफुल नहीं समझते गॉड को, वो किसी पर्टिकुलर चीज में खासियत होती थी कि आग का खुदा हो सकता है और पानी का और इस तरह, तो सारों के डिफरेंट बिलीव्स, तो उसने सीजर को भी एक डीएटी माना जाता था, एक खुदा का एक अवतार समझ लें, या पॉलिथिस्टिक बिलीफ से कि एक गॉड का एक पार्ट है, या एक गॉड है उनमें से, मैनी गॉड्स में से एक गॉड का हिस्सा है। और इनको पैंथियन ऑफ गॉड्स कहा जाता है, पैंथियन मतलब ग्रुप, तो ये पैंथियन ऑफ गॉड्स मतलब ये गॉड्स के वो जो पैंथियन है उनका काउंसिल है ना, उसका हिस्सा था, समझते थे जूलियस सीजर है। जब सीजर मर गया तो उसके बाद आसमान से एक वो गिरा, कॉमेट गिरा, कॉमेट मतलब एस्ट्रॉयड की तरह ही होता है वो सादा जुबान में, और वो गिरा, और जब वो गिरा है तो वो गुजरा है उस जमाने में, और उस जमाने में स्काई काफी क्लियर होते थे, रात को नजर आता था हर चीज जो हो रही थी आसमानों के अंदर, तो उनको ये कॉमेट नजर आया, उन्होंने समझा कि ये जूलियस सीजर जो है ना वो आखिरकार कबूल हो गया, मतलब वो उसको मान लिया गया एज अ गॉड, और वो गॉड के पैंथियन में दाखिल हो चुका, मतलब उसको एज अ डीएटी मान लिया गया, तो उसको पक्का पक्का गॉड डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने जूलियस सीजर। तो अब क्योंकि सीजर अगस्टस जो था, जो उसका ग्रैंड नेफ्यू था,
और उसका अडॉप्टेड सन भी था, और जिसने आगे उस सक्सेसर भी था जूलियस सीजर का, जिसकी तस्वीर हमें नजर आ रही है। सीजर अगस्तस ने अपने जो अडॉप्टेड फादर थे, मतलब जो उसके जो जूलियस सीजर था, उससे ये लिया टाइटल, क्योंकि जूलियस सीजर गॉड था, तो ये फिर जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था, तो इसने अपने को सन ऑफ गॉड, इसलिए इसको डिवनी फिलियस का टाइटल। तो कॉन्सेप्ट सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, अलेक्जेंडर ने भी अपने आप को कहा था, और इस तरह पहले भी और लोगों ने। तो ये दो तीन जो पीछे हमने बातें की थी वो क्लियर होगी होपफुली। अब यहाँ पे हम स्टार्ट एक्चुअली अपनी हिस्ट्री करते हैं, वो ये है कि 27 BC में जो है रोम एम्पायर बन गया था। हमारा आज मेन लेक्चर है रोम के एम्पायर की स्टार्टिंग से लेकर रोम के आखिरकार फॉल तक, दरमियान में जो सेक्शन हमने मिस किया हम उसको कवर करेंगे। और उसमें यह है कि 27 BC में रोम जो था वो एम्पायर बन चुका था, और उसके बाद एज ऑफ एम्परर शुरू हो गई। 43 ईयर्स के लिए जूलियस जो सीजर अगस्तस था उसने रूल किया, और 43 ईयर्स के रूल के बाद वो 14 AD में जाके मरा। अब इसी जूलियस जो सीजर अगस्तस था उसकी रेन के दौरान ही हजरत ईसा पैदा हुआ, और हजरत ईसा जो है वो तकरीबन पैदा हुए हैं 7 BC में। तो ये काफ़ी ऑड बात लगेगी कि हजरत ईसा 1 AD में क्यों नहीं पैदा हुआ है, ये 7 BC कहाँ से आ गई, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री की डेट बनती है 7 BC 8 BC में तकरीबन हजरत ईसा पैदा हुए हैं। मतलब हजरत ईसा AD में पैदा नहीं हुआ, वो कैलेंडर काम किसी और तरीके से करता है, इस सेंस में उसको इन्होंने डिजाइन नहीं किया कि हजरत ईसा कब पैदा हुआ। सो हजरत ईसा पहले BC में पैदा होगा, तो जो ये तब एम्परर था। और जो 27 BC से पीरियड शुरू होता है ना रोम का, टिल 180 AD, तकरीबन 200 साल का जो ये रूलरशिप का जो एम्पररशिप का ये दौर है ना रोम का, उसको पैक्स रोमाना का दौर कहा जाता है। पैक्स रोमाना का मतलब है रोमन पीस का दौर कहा जाता है। इसमें रिलेटिव पीस था, इसमें स्टेबिलिटी थी इस दौर में, इस दौर में रोमन्स ने तरक्की की थी, इस दौर में वो एक्सपेंशन भी उन्होंने की, और वो बड़े स्टेबल और पावरफुल थे। ऑब्वियसली इसमें भी लड़ाइयाँ हुई, इसमें भी इसी इसके दौरान बगावतें भी हुई और सिविल वॉर्स भी हुई, ये सारा कुछ चलता रहा पैक्स रोमाना के अंदर, लेकिन रिलेटिवली बाकी दौरों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हालात थे इस पीरियड में, 27 BC से लेके 180 AD का पीरियड जो था, जो कि सीजर अगस्ते से शुरू हुआ था और आगे जाके एक आखिरी एम्परर पे जाके खत्म होगा। रोम का आखिरी एम्परर नहीं, पैक्स रोमाना का आखिरी एम्परर, रोमन पीस का। ऑब्वियसली अगर आप रोम से बाहर रह रहे हैं या रोम के दुश्मन है, तो आपके लिए तो पीसफुल दौर बिल्कुल नहीं चल रहा था ये वाला पीरियड, तो ये भी जहन में हमें एक बार रखनी चाहिए। अब ये है कि अगस्तस के बाद ये पैक्स रोमाना का दौर शुरू हो गया, और अगस्तस के बाद आ जाता है ये जूलियो क्लाडियन डायनेस्टी जो है ना वो हुकूमत करने लग पड़ती है। जूलियो क्लाडियन डायनेस्टी का मतलब है जूलियस सीजर की डायनेस्टी थी, जो जूलियस सीजर से शुरू हुई थी यहाँ पे, और जूलियस सीजर के बाद ऑक्टेवियन या अगस्तस जिसको हम कहते हैं, जो पहला एम्परर बना रोम का, और उसके बाद जो है उसका अडॉप्टेड सन था टाइबेरियस, और इस तरह ये रूलरशिप चलती रही, एक ही खानदान में ये फैमिली थी। मतलब ये डायनेस्टिक सिस्टम तो समझे इसको, लेकिन ये पूरी तरह डायनेस्टिक इसलिए नहीं था कि बाप से बेटे तक नहीं रूलरशिप जा रही थी, रादर ये ज्यादातर अडॉप्टेड सन, स्टेप सन, इस तरह की या किसी का नेफ्यू, इस तरह था। तो ये फादर टू सन ज्यादा रूलरशिप नहीं थी, जैसे चाइना में हमने पढ़ी थी ना, जहाँ पे रादर एक ही फैमिली से लोग थे अलबत्ता। तो अब पहला जो जो डिक्टेटर था वो था आपका जूलियस, उसके बाद आ जाता है अगस्तस, अगस्तस के बाद आता है टाइबेरियस, और टाइबेरियस के रेन के दौरान जो कि शुरू होती है 42 BC, सॉरी जो 14 AD में शुरू होती है और 37 AD तक रहती है, ये टाइम पीरियड में ये जब यार हो एम्परर था गई, आज मेरा इसकी। स्पीड ज्यादा है, हाँ आज स्पीड ज्यादा है आपकी बोलने की मैं आज ये ज्यूम कर रहा हूँ कि तो। आप लोगों को रोमन थोड़े याद होंगे हाँ चलो ठीक तो मैं चलें थोड़ा स्लो कर देता हूँ। हाँ, 14 AD से लेके 37 AD तक टाइबेरियस की हुकूमत थी, और इसकी हुकूमत में ही हजरत ईसा को क्रूसीफाई करने की कोशिश की गई, टाइबेरियस एम्परर। तो अगस्तस के दौर में पैदा हुए थे हजरत ईसा, और टाइबेरियस के दौर में उनको क्रूसीफाई करने की कोशिश की। उसके बाद ये इसी तरह इसी फैमिली में जो गोल्डन में आपको नजर आ रहे हैं, ये चलती गई डायनेस्टी रोमन एम्पायर की, जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी चलती गई। अब इसमें है मेन काफी सारे नाम है, हमें उनको जरूरत नहीं इस डिटेल में जाने की, हमारे लिए सबसे जरूरी है ये आदमी जिसका नाम था नीरो। नीरो जो है वो 54 AD में जाके बना है एम्परर रोम का, और जब नीरो एम्परर बना ना, तो नीरो जो था वो खपती कहना चाहिए उसको, हिस्टोरियंस उसको खपती समझते हैं, बिकॉज उसने कुछ इस तरह की हरकतें की थी जिसकी वजह से जो उसको क्लेम किया जाता है कि उसने ये चीजें की थी, और वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस दौरान क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी इस दौरान इमर्ज हो गई, जब क्रिश्चियनिटी मर्ज हुई है कि हजरत ईसा तो क्रूसीफाई नहीं कर सके, हजरत ईसा को आसमानों में उठा लिया गया था,
तो इस दौरान जो है क्रिश्चियनिटी को बहुत बुरी तरह परसिक्यूट किया जा रहा था, जो पॉल वगैरह लेके आए थे ना, पॉल इस टाइम में फैलाने लग पड़ा था क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन की बहुत परसिक्यूशन होती थी, क्रिश्चियन को बहुत मारा जाता था, बहुत कत्ल किए जाते थे उनके, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको जानवरों के आगे डाल दिया जाता था। नीरो, यहाँ तक कहा जाता है कि नीरो जो है वो क्रिश्चियन को कमरे लाइट करने के लिए ना, कमरों में रोशनी के लिए क्रिश्चियन को आग लगाता होता था, मतलब क्रिश्चियन लोगों को बांध के उनको आग लगा देता था कि हॉल्स में उसकी रोशनी, तो इस लेवल का टॉर्चर भी किया। और नीरो को ये भी कहा जाता है कि नीरो ने सारे उसके ऊपर इल्जाम आते हैं, ये कितने एक्यूरेट हैं इस चीज को बेहतर जानती है, हम इसको सिर्फ ये देखेंगे कि जो इल्जाम क्या क्या है कि एक तो नीरो ने अपनी मदर का कत्ल किया था, एक उसने क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया था, बाकी एम्परर्स भी करते थे लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। लेकिन मोस्ट फेमसली जो नीरो के दौर में एक चीज हुई थी ना, वो 64 AD के अंदर हुई थी, नीरो की रेन में रोम को ग्रेट फायर का वाकया हुआ था, रोम में बहुत बड़ी एक आग लगी 64 AD के अंदर नीरो की हुकूमत के दौरान। और 64 AD में जब ये बड़ी आग लगी तो उसमें बहुत लोग मरे, बहुत ज्यादा लोग मरे, और स्टोरियंस ने क्लेम किया कि नीरो जो है ना, इसने आग खुद लगवाई थी क्योंकि ये खपती था, और इसने इसलिए आग लगवाई थी क्योंकि इसने अपने पैलेस के लिए ना जगह खाली करानी थी रोम, तो इसने उसके लिए रोम में बहुत बड़ी आग लगाई और बहुत लोग मरे उसमें, और आग बुझ गई और बहुत सारे लोग मर गए। तो नीरो ने इल्जाम लगा दिया क्रिश्चियंस पे। अब हमें ये नहीं पता कि नीरो ने आग पक्की लगाई थी या नहीं लगाई थी, लेकिन हमें ये पता कि नीरो ने इल्जाम जरूर क्रिश्चियंस पे लगाया इस दौरान कि क्रिश्चियंस ने आग लगाई, और उसने क्रिश्चियंस के खिलाफ एक पर्च शुरू कर। पर्च से मतलब ये है कि उसने उनको उनको बेसिकली पकड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने बाद में पढ़ा था ना क्रुसेड्स के बाद के नाइट टेम्पलर्स के साथ हुआ था आखिरकार, जब नाइट टेम्पलर को सजाए मौत दी गई थी और उनको पकड़ के एक एक करके मारा जा रहा था, बिल्कुल वही क्रिश्चियंस के साथ इस दौर में हुआ था। नीरो के दौर में उसने ग्रेट फायर के बाद 64 की उसने पकड़ पकड़ के क्रिश्चियंस मारे, उनको टॉर्चर किया, उनको जेलों में डाला, जो वहां क्रिश्चियन मिलता था उसको छोड़ते नहीं थे। ये हालात हो गए थे रोम के इस दौर में। और इसी दौरान कहते हैं कि इसी सेम टाइम पीरियड में जो पॉल था, जिस जो मेन साथ की जड़ है जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी वजूद में आई है, और जेरूसलम की हिस्ट्री में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा, इसकी डिटेल जो रह गई थी थोड़ी बहुत, वो पॉल जो था उसने कहते हैं कि वो 64 AD में पकड़ा गया और उसको रोम लाया गया, और पॉल को भी उसका सर कलम कर दिया गया और उसको सजाए मौत दी गई। और ये फर्ज के अंदर जो नीरो ने शुरू की थी इसके खिलाफ, उसमें पॉल भी मारा था, पॉल और पीटर दोनों मारे गए थे। पीटर भी एक मेन करेक्टर है जो कि क्रिश्चियनिटी के फैलने में बहुत उसका भी हाथ था, तो दोनों को मार दिया गया जो मेन क्रिश्चियनिटी के हेड थे। और आखिरकार करते कराते जो नीरो था ना, उसने सुसाइड कर ली एंड पे आके। और जब उस सारे मामले क्रिश्चियंस को भी जुल्म किया जो भी किया, और करने के बाद नीरो ने सुसाइड की, और जब नीरो ने सुसाइड की तो जूलियो क्लाडियो डेनेसी जो थी, जो कि जूलियस सीजर से ये लाइन आ रही थी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इमेज में, ये सारी फैमिली जो लाइन है खत्म हो गई, क्योंकि नीरो उसका आखिरी लाइन का फैमिली का मेंबर था, और नीरो ने जब सुसाइड की तो ये पूरी लाइन खत्म हो गई। तो ये जो जूलियो क्लाडियो डेनेसी है, ये अराउंड 68 AD में जाके ये बिल्कुल, अब 68 AD में जूलियो क्लाउडियन डायनेस्टी कम होगी, लेकिन ये पैक्स माना दौर अभी चल रहा है, रोमन का दौर अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है। और इसके अंदर फिर एक और डायनेस्टी आती है, उसमें है फ्लेवियन डायनेस्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेवियन एम्परर्स भी नीचे लिखा हुआ है। इन्होंने 69 से 96 AD तक इन्होंने हुकूमत की, और इसमें ये तीन एम्परर्स हैं, वेस्पेसियन, टाइटस और डोमिशियन। जो मेन हमारे इसमें दो प्लेयर हैं वो वेस्पेसियन और टाइटस हैं, क्योंकि इनका दोनों का हाथ ज्यादा है हिस्ट्री में। असल में वेस्पेसियन वो आदमी है जिसने सबसे पहले तो एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग बनवाई थी जिसको हम कॉलोसियम कहा जाता है, ये वेस्पेसियन के दौर में बनी थी, फ्लेवियन डायनेस्टी के दौर में। और उसके बाद वेस्पेसियन ने एक और बड़ा काम कराया था, जो कि बड़ा काम नहीं, बड़ा मतलब एक मेजर हिस्ट्री का इवेंट है जो कि बहुत चीजें डिफाइन करता है आज के दौर की, वो थी जो इसने सेकेंड टेम्पल तबाह करवाया। और असल में वेस्पेसियन ने अपने बेटे टाइटस को भेजा था, जो कि बाद में वेस्पेसियन का दूसरा एम्परर बनेगा। 70 AD में जब ज्यूज ने बगावत की थी तो आखिरकार जरूसलम पे हमला करवा के टेम्पल तबाह करवाया था, सेकंड टेम्पल वेस्पेसियन एम्परर के दौर में हुआ था, और उसके बेटे ने जाके किया था जो कि टाइटस है, जो कि बाद में एम्परर बन गया। तो टेम्पल तबाह हो गया, ज्यूज का डायस्परा शुरू हो गया, ज्यूज को निकाल दिया गया, सेकेंड डायस्परा कहते हैं, पहला तो वो था जब पहला टेम्पल तबाह हुआ, दूसरे टेम्पल तबाह हुआ और ज्यूज को निकाल दिया गया जरूसलम से, उनको एग्जाइल कर दिया अगर वो कभी फिर जरूसलम में एंटर नहीं। तो ये था, ये फ्लेवियन डायनेस्टी इन दो मामला में मशहूर है, एक उन्होंने कॉलोसियम बिल्ड किया, दूसरा उन्होंने जो जूश टेम्पल है ना
सेकंड टेम्पल है, वो तबाह किया था, ज्यूज को डायस्पोरा उनका शुरू किया था। और फ्लेवियन डायनेस्टी के बाद जो है आखिरी दौर आता है वैक्स रोमाना का, उसके अंदर ही पांच एम्परर हैं, इनको फाइव गुड एम्परर कहा जाता है। तो पहला दौर था जूलियस क्लॉडियन डायनेस्टी का, जो कि जूलियस सीजर की डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसमें हमने कुछ एम्परर्स की बात की। फिर फ्लेवियन डायनेस्टी आई, जिसके दौर में कोलोसियम बिल्ड हुआ, टेम्पल तबाह हुआ, यहूदियों को निकाल दिया गया, और आखिरकार पांच एम्परर का, लास्ट फाइव एम्परर का दौर आया। और ये फाइव एम्परर बड़े मशहूर हैं क्योंकि इनको फाइव गुड एम्परर समझा जाता है, ये बेहतर थे बाकी एम्परर से, इन्होंने काफी रोम को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। इसमें जो सेकंड पे नजर आ रहा है, जो कि ट्रेजन है, ट्रेजन जो था ना, वो बड़ा ही मेजर एम्परर को इसलिए माना जाता है कि ट्रेजन के हुकूमत के दौरान, जब ट्रेजन का रूल था, तो रोम जियोग्राफिकली अपनी पीक पे पहुंचा था। तो जब आप गूगल पे लिखते हैं ना रोमन एम्पायर, और आपको इतना बड़ा जो मैप नजर आता है, ये रेड कलर में आ रहा है, 117 AD का, ये मैप जो है ये ट्रेजन के हुकूमत के दौरान रोम अपनी जो जोग्राफिकल पीक पे तब पहुंचा। रोम ने यूरोप पे भी कब्जा कर लिया था, वो ब्रिटेन में भी यहाँ दाखिल हो गया था ऊपर, ठीक है, और नीचे वो अफ्रीका के अंदर भी, और इजिप्ट के अंदर, और सीरिया और ईरान, और ये सारे लैंड्स को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था रोम ने। सेंट्रल एशिया वाली साइड पे अब जाना था उसने आगे, लेकिन यहाँ भी, यहाँ पे पर्जियन एम्पायर अभी भी मौजूद था। तो रोम जोग्राफिकली अपनी पीक पे पहुंचा था ट्रेजन की हुकूमत के दौरान, 117 AD। और फिर इसके फाइव एम्परर्स का रूल चलता रहा, उसमें हेड्रियन आया, और फिर आगे करते कराते आखिरकार जो आखिरी एम्परर है वो मार्कस ओरेलियस है, इन्होंने इसको स्पेलिंग गलत लिखा। मार्कस ओरेलियस जो था ना, ये इसको फिलोसफर एम्परर कहते हैं, इसकी किताब भी है, मेडिटेशन किताब का नाम है, आज तक पब्लिश भी पड़ी मिल जाएगी। तो मार्कस ओरेलियस जो था, ये एम्परर भी था, लड़ता भी था, जंगे भी करता था, और फिलोसफर भी था, अपने दौर का सबसे बड़ा, और बड़ी से फिलोसफी की किताबें और बड़ी फिलोसफी बातें था, तो इसकी यहाँ पे है। और ये फाइव गुड एम्परर्स के बाद जो फैक्स रोमाना का पीरियड है 200 साल का, जो 27 BC से शुरू हुआ था और 180 AD में जाके वो पीरियड आखिरकार खत्म होता है, और उसमें ये तीन सेक्शन थे, जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी, फ्लेवियन डायनेस्टी, और आखिर में कार पांच एम्परर्स का रूल है, और फिर ये खत्म हो गया पैक्स रोमाना का दौर, और अब रोमन एम्पायर अपने अगले सेक्शन में जाता है। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर हम आगे चलते। कंटिन्यू करूं फिर? चलें। अब एज यूजुअल इसके बाद क्या हुआ कि जो एम्पायर था ना, वो अब वीक होने लग पड़ा, क्योंकि वो ये बातें हमने फॉल ऑफ रोम में भी डिस्कस की थी कि रोमन एम्पायर जो है वो इवेंचुअली अनस्टेबिलिटी जो है ना उसमें बढ़ने लग पड़ी, और उसके अंदर जो एम्परर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट एम्परर्स बनने लग पड़े आए दिन, और इस तरह ये है कि जो इनकी एकदम अच्छे हालात थे ना वो खराब होने लग पड़े। इसमें सबसे ज्यादा ये है कि इसमें एक जो क्राइसिस आया है ना, उसको कहते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में हुआ ये कि रोम जो था ना, वो उसको थर्ड सेंचुरी क्राइसिस इसलिए कहते हैं, वो थर्ड सेंचुरी में हुआ था, और ये शुरू हुआ था 235 AD के अंदर, जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस था। 235 AD से लेके अगले 50 साल के लिए, 285 AD तक, ये थर्ड सेंचुरी क्राइसिस रहा। इसको थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, इसको थर्ड सेंचुरी की वजह से कहते हैं, और क्राइसिस ये इसलिए था क्योंकि इस पीरियड के दौरान 26 लोगों ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था रोम, और वो जब 26 लोग अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करेंगे बैक टू बैक, तो हालात वैसे एम्पायर के खराब हो जाएंगे। ऐसे ही समझे कि किसी ने 6 महीने हुकूमत की, किसी ने उसको ओवरथ्रो किया, नया एम्परर आया, उसने 2 महीने की, फिर एक नया एम्परर आया, और ये यहाँ पे हमने देखा था कि वो 27 BC से 14 AD तक सीजर अगस्टस हुकूमत कर रहे थे इतने बड़े टाइम पीरियड के लिए। उस तरह ही अब इन 50 सालों में धड़ाधड़ एम्पायर एम्परर चेंज हो रहे थे, और एम्पायर उसी वजह से अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इतना वास्ट एम्पायर था कि इसको मैनेज करने के लिए आपको बड़ा ही स्ट्रांग सिस्टम चाहिए था, और वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं था, और बार बार इसमें लड़ाइयाँ हो रही। और इवन एक पॉइंट ये आया कि रोमन एम्पायर जो है ये पूरा सेक्शन था 3 हिस्सों में डिवाइड भी हो गया था, लेकिन करते कराते ये क्राइसिस कंटिन्यू रहा टिल 285 AD, जब एक आदमी जिसका नाम है डायोक्लिशियन, डायोक्लिशियन जो था ना वो एम्परर बना आखिरकार रोम का, और इसके एम्परर बनते ही एकदम स्टेबिलिटी वापस आई रोम के अंदर, और इसको कहा जाता है कि बड़ा ही स्ट्रांग एम्परर था बाकियों के कंपैरिजन में, जो इससे पहले 50 साल के अंदर आए थे।
285 AD में, आज मैं डेट ज्यादा दे रहा हूँ दरअसल, लेकिन 285 AD में डायोक्लिशियन जो था वो एम्परर बना, और इस ये भी बड़ा परसिक्यूट करता था क्रिश्चियंस को। और इस दौरान आप ये समझे कि वो जरूसलम की हिस्ट्री में काफी, क्योंकि जरूसलम में मेन मेन वाकया थे तो वो कवर होंगे, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान में रखिएगा कि क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जा रहा है। ज्यूज को तो निकाल दिया गया, वो अरब अरेबिया में चले गए बहुत सारे ज्यूज को, लेकिन और बनू कुरैज़ा और बनू कैनका के कबीले भी बन गए वहां जाके, लेकिन मेनली जो वैसे ज्यूज है, जो क्रिश्चियंस है, उनको बहुत बुरी तरह इस दौर में परसिक्यूट किया जा रहा है, और वो भी तबलीग कर रहे हैं ग्रीस के एरियाज में, रोम के एरियाज में, वो हर जगह तबलीग कर रहे हैं। तो डायोक्लिशियन जो है वो परस्यूट करता है क्रिश्चियंस को, लेकिन ये फेमस इसलिए है, और बड़ा मेनली बहुत फेमस एम्परर है ये रोम का, क्योंकि इसने जब हालात खराब होते देखे ना, तो इसको पता चल गया कि रोम इतना बड़ा बढ़ गया साइज के अंदर, कि रोम जो है ना वो अब हुकूमत जो है उसकी हमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो डायोक्लिशियन ने ये डिसाइड किया कि एम्पायर को ना चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, चार हिस्सों में इस तरह डिवाइड किया जाए कि हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको टेट्रार्की कहते हैं। टेट्रार्की, टेट्रार्की मतलब टेट्रा से निकला, टेट्रा मतलब चार, तो टेट्रार्की, TETRACHY, टेट्रार्की का पोलिटिकल स्ट्रक्चर दें। टेट्रार्की के पोलिटिकल स्ट्रक्चर में ये होगा, क्योंकि टेट्रा से मतलब चार, तो यहाँ पे चार एम्परर होंगे, एक बड़ा एम्परर होगा जैसे डायोक्लेशन खुद, और उसके आगे को एम्परर होगा उसके साथ, ठीक है, जो कि एक डायोक्लेशन वेस्ट में हुकूमत करेगा, तो जो को एम्परर है उसके साथ वो ईस्ट में हुकूमत करेगा। सबसे ज्यादा ताकत डायोक्लेशन के पास खुद होगी, जो मतलब बड़ा एम्परर है उसके पास खुद होगी, जो रोम के अंदर बैठा है, और वो वीटो कर सकता है बाकी सारे एम्परर को। और जो बाकी एम्परर है, इसका इन्होंने इमेज भी बनाया हुआ है, चार एम्परर खड़े हैं इस तरह, और जो तो एक मेन एम्परर रोम के अंदर, और एक ईस्ट में एम्परर जो को एम्परर है, और इनके अंडर दो और एम्परर वो सेकेंड इन कमांड होंगे, वो भी एम्परर होंगे, उनको भी छोटे छोटे इलाके दिए जाएंगे और वो भी उसको एडमिनिस्टर करेंगे, और इन केस इनमें से एक बंदा रिटायर करता है तो जो सेकेंड इन कमांड है ना, जो पीछे है, वो इनकी जगह ले लेंगे, ताकि ये कि अगर कोई एम्परर मारा जाता है या रिटायर करना चाहता है तो इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा कि पहले ही एम्परर तैयार खड़ा होगा और वो उसकी जगह ले लेगा, और फिर इसमें चेंज चलती रहेगी। तो उसने टेट्रार्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और इसके दौरान ये हुआ कि रोम कुछ इस तरह की हालत में चला गया कि ये चार सेक्शन में आपको डिवाइड होता नजर आ रहा है, एक ब्लू में एरिया जो मेन एम्परर के अंडर होगा, ठीक है, एक जो ये पिंकिश सा एरिया, ये थोड़ा सा ये एरिया जो होगा को एम्परर को मिलेगा जो ईस्ट से हुकूमत करेगा, और फिर ये साइड पे पर्पल और येलो एरियाज हैं जो के दो और एम्परर हुकूमत करेंगे। तो ये बेसिकली चार सेक्शन में पूरा एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, और ये इसने सिस्टम चलाने की कोशिश की। इसके साथ साथ इसने एक और काम किया, तो इसने एक तो टेट्रार्की इंट्रोड्यूस की, टेट्रार्की इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसको एक काम करना पड़ा कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली ईस्ट और वेस्ट को अलग करना पड़ा, मतलब ईस्ट में रोम सेंटर होगा और वेस्ट में एक और जगह होगी जहां पे हम हुकूमत करेंगे, और ये इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी तक कोई क्वेश्चन? चले मैं चलता हूँ आगे। अब डायोक्लिशियन के बाद क्या हुआ कि अगला एम्परर आता है, इवन तो डायोक्लिशियन ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन इसके डायोक्लिशियन ने खुद रिटायर हो गया था उसने बड़ी एज में जाके, तो जब वो रिटायर हुआ तो उसके बाद वही हुआ जो पहले हो रहा था, जो चारों एम्परर थे, जो टेट्रार्की के अंदर चार एम्परर रखे थे, मेन बड़ा एम्परर, को एम्परर और नीचे दो और एम्परर, वो लड़ पड़े हुकूमत के लिए कि कौन बड़ा एम्परर कौन बनेगा, जो वीटो कर सकता है ना सबको, और करते कराते उनमें से जो विक्टोरियस था, जो पावर में आया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन का भी हमने पहले जिक्र किया, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कॉन्स्टेंटीन था, कॉन्स्टेंटीन जो था ये डायोक्लेशन के बाद एम्परर बना, और ये मेन एम्परर बन गया, तो ये मेन वो एम्परर बन गया जो वीटो कर सकता है, जो रोम से हुकूमत कर रहा था, और बाकी इसके साथ चार एम्परर अभी भी थे जो कि छोटी कम पावर रखते थे। और इसने ये फेमस बहुत है कॉन्स्टेंटीन, और सबसे बड़ा एम्परर जूलियस सीजर के बाद इसको ही तकरीबन मानते हैं, बिकॉज ये पहला एम्परर है जिसने क्रिश्चियनिटी कबूल की, एज कम्पेयर टू डायोक्लेशन जो क्रिश्चियंस को परसिक्यूट कर रहा था, कॉन्स्टेंटीन जो था उसने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली। और इसकी कहानी ये है कि ये बैटल में था, और उस बैटल में इसको नजर आया, विजन आई कि ये क्रॉस के नीचे लड़ रहा है, जो क्रिश्चियनिटी का क्रॉस है उसके नीचे ये जंग कर रहा है, तो उसको नजर, और इसने फिर अपनी शील्ड पे जो है ना उस पर क्रॉस बनवाया, और फिर ये जंग में गया और ये वो जंग जीत गया। तो इस तरह की मिथिकल सी कहानी है कि ये फिर इसने इसको रियलाइज हुआ कि खुदा चाहता है कि मैं क्रिश्चियनिटी कबूल कर लूँ, तो क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन बनते ही इसने फिर जब क्रिश्चियन बना तो उसके 312 अराउंड 312 AD में क्रिश्चियन बन गया, ठीक है, 312 AD में जब ये क्रिश्चियन बना तो उसके बाद इसने पास कराया है एडिक्ट ऑफ मिलान। अब एडिक्ट का मतलब क्या होता है? एडिक्ट होता है डिक्री को कहते हैं, ठीक है,
बिल को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिल पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, उसको एडिक्ट कहते हैं। तो एडिक्ट ऑफ मिलान पास किया, जिसके अंदर इन्होंने प्रोक्लेम किया, जो लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन है ना, वो आखिरकार, और उसके साथ जो को एम्परर का नाम लिखा हुआ है लिसिनियस, ये टॉलरेंस देंगे क्रिश्चियनिटी को। मतलब ये क्रिश्चियनिटी को उसने लीगलाइज करा दिया सादा जुबान में, एडिक्ट ऑफ मिलान के जरिए कॉन्स्टेंटीन ने पहले तो खुद क्रिश्चियनिटी कबूल की, उसके बाद उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज करा दिया अपनी हुकूमत के दौरान। तो एक तो ये मेजर काम हुआ एडिक्ट ऑफ मिलान, क्रिश्चियनिटी रोम के अंदर लीगलाइज हो। अभी डायोक्लेशियन इससे पिछले एम्परर के हुकूमत के दौरान वो परसिक्यूट हो रहे थे वही क्रिश्चियंस, और वही क्रिश्चियनिटी लीगलाइज करा दी गई। और फिर एक बड़ा ही मेजर इवेंट हुआ जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ नाइसिया। काउंसिल ऑफ नाइसिया जो है ना, ये हिस्ट्री का, क्रिश्चियन की हिस्ट्री का सबसे मेजर इवेंट है हमारे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत चीजें सेट हो रही हैं, इसमें पूरी गेम सेट हो रही है क्रिश्चियनिटी। और क्योंकि उसने कहा कि जो पूरे रोम में जितने क्रिश्चियन बिशप्स हैं ना, वो इकट्ठे किए जाएं और वो नाइसिया में आए, नाइसिया तुर्की के अंदर वेस्ट की साइड पे, तुर्की की, तो आज के तुर्की की, तब तो अनातोलिया उसको कहते थे, वहां पे नाइसियन जो नाइसिया था, वहां पे इकट्ठे किए जाएंगे क्रिश्चियन बिशप्स, और वो डिस्कस करेंगे कि हम एक सिंगुलर चर्च डॉक्ट्राइन बनाएंगे, हम एक सिंगुलर चर्च की स्टेटमेंट, चर्च का बिलीफ सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि हम स्कैटर्ड हैं, किसी का कोई मौकफ है हजरत ईसा के बारे में, किसी का कोई है, तो हम एक फाइनली सेटल करेंगे मामला, क्योंकि पहले लीगलाइज किया है, अब उसके बाद इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, क्योंकि फैलाना है मजहब को। अब इधर एक मसला था, यहाँ पे हो गया एक मसला, इसको कहते हैं एरियन कॉन्ट्रोवर्सी, ARIAN, एरियन कॉन्ट्रोवर्सी। एरियन कॉन्ट्रोवर्सी ये थी कि एक प्रीस्ट था, उसका नाम था एरियस, क्रिश्चियन प्रीस्ट था एरियस, और एरियस जो था ना, उसने थोड़ा अर्सा पहले, इन वाक्य से थोड़ा अर्सा पहले उसने डिक्लेयर ये किया कि जो हजरत ईसा है ना, वो खुदा नहीं है। टेक्निकली उसने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि पूरी तरह खुदा नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि जो अगर हजरत ईसा सन ऑफ गॉड है ना, तो इसका मतलब गॉड द फादर भी है, और अगर गॉड द फादर है, तो इसका मतलब गॉड द फादर ज्यादा पावरफुल होगा गॉड द सन से, मतलब वो माज अल्लाह हजरत ईसा से जो गॉड द फादर है वो ज्यादा पावरफुल होगा, और इस सेंस में इसकी वर्किंग ये होगी कि गॉड द फादर है वो गॉड होगा, और उसके नीचे जो गॉड द सन आएंगे जो हजरत ईसा होंगे इनकी नजर। सो ये स्ट्रक्चर उसने दिया। तो उसने कहा कि जो गॉड द फादर है ना, जो मेन गॉड है, जो असल खुदा है, वो किसी और सब्सटेंस का है, और जो गॉड द सन है ना, वो किसी और सब्सटेंस का, इसलिए ये एक सब्सटेंस के नहीं है, ये अलग अलग है, मतलब इनका स्ट्रक्चर अलग है, गॉड द फादर ऊपर है और गॉड द सन नीचे है। उसने बेसिकली एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट कर दिया, जो क्रिश्चियंस, जो पॉल ने तो कुछ और ही पिलाई थी बात। तो एरियस ने ना एक बड़ा, उसमें बड़ा जेनुअन कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली एक खुदा को मानने की तरफ लेके जा रहा था क्रिश्चियनिटी को, तो और वो ये खत्म करना चाह रहा था, जो भी इसका आइडिया था, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या उसका आइडिया था, लेकिन उसका आइडिया जो भी तो उसने दिया वही था वननेस के बारे में, कि हजरत ईसा को हमें खुदा नहीं मानना, हजरत ईसा खुदा से नीचे, खुदा ऊपर, जो गॉड द फादर है वो ज्यादा पावरफुल है। तो क्रिश्चियन को इस पर बहुत गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा कि हम एक बिलीफ सिस्टम है हमारा और जो चल रहा था, तो उन्होंने एरियस को आखिरकार इधर बुलाया काउंसिल ऑफ नाइसिया के अंदर, जो कि ये गैदरिंग हुई थी बिशप्स की, और काउंसिल ऑफ नाइसिया में उन्होंने मामला डिस्कस किए, और एरियस को कहा कि तुम अपना केस प्रेजेंट करो, और एरियस ने जो ये पीस था, इसने जब केस प्रेजेंट किया, तो कहते हैं कि यहाँ पे इसको थप्पड़ भी मारा किसी ने उठ के, किसी बिशप ने इसके उठ के, और फिर इसको आखिरकार ब्लैस्फेमी के नाम पे, हेरेसी के नाम पे, जिसको हेरेसी कहते हैं, ब्लैस्फेमी का मतलब होता है हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है ब्लैस्फेमी, या जो गुस्ताखी के नाम पे ना, इसको निकाल दिया गया चर्च से, इधर से काउंसिल से भी निकाल दिया गया, और इसको रोम से भी निकाल दिया गया, और इसके फॉलोअर्स को इसकी किताबें जला दी गई एरियस की, और एरियस के सिस्टम को डिक्लेयर कर दिया गया कि इसने गुस्ताखी कर दी बहुत बड़ी, और इसलिए अब ये हमारे हमारे क्रिश्चियंस का ये हिस्सा ही नहीं। ये अब एरियस का इसने ये किया, और जब ये वाकया हुआ सारा एरियस के साथ जो हुआ था, और उसको इन्होंने एक्सट्रीमिज्म पे निकाल दिया वहां से, तो यहाँ पे हमें एक व्यू मिलता है कि इस्लाम के आने से 300 साल पहले, और अभी कोई मौलवी हजरात नहीं, और कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, कि ये जो आइडियाज थे गुस्ताखी का, और इसके ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, मार और मारपीट हो रही है, निकाला जा रहा है आपको, और बिल्कुल ही फारिग कर दिया सिस्टम से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकले? ये क्रिश्चियनिटी के हैं, ये क्रिश्चियंस कर रहे थे, इस्लाम तो अभी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पैदा हुआ है अरेबिया, और ये वाले वाकया हो रहे थे दुनिया में। तो ये एक्सट्रीमिज्म और ये ब्लास्फेमी और उस्ताखी वाले कॉन्सेप्ट सारा कुछ उधर से आया हमारी तरफ, जो आखिरकार हमें भी इन्फेक्ट कर दिया है ना आइडियाज। सो
मैंने कहा यहाँ पे एक हमें कनेक्शन मिलता है कि हमारे कोई भी अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देगा कोई मॉलिक्यूल तो उसके साथ भी अगर किसी तरह का भी तो वो लड़ पड़ते हैं, जिस तरह यहाँ पे क्रिश्चियन बिशप लड़ रहे हैं। तो उन्होंने आखिरकार जब ये एरियस के साथ कर दिया तो उन्होंने उसके बाद नाइसियन क्रीड लिखी। नाइसियन क्रीड उन्होंने आखिरकार एक नाइसियन कोड बनाया कि भाई ये अब हमने फाइनलाइज कर दिया क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट, और जो एरियस जैसे लोग हैं उनके जो आइडियाज हैं उनको रोकने के लिए हम आखिरकार ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो गॉड द सन है वो गॉड द फादर के इक्वल है और होली स्पिरिट भी इक्वल है। तो इन अदर वर्ड ये तीनों एक ही है, तो ट्रिनिटी वजूद में है आखिरकार। और ट्रिनिटी का पहला जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो यहाँ पे मिलता है नाइट काउंसिल ऑफ नाइसिया, जहाँ पे ट्रिनिटी फाइनलाइज हुई थी आखिरकार। पहले कॉन्सेप्ट था लेकिन फाइनलाइज यहाँ पे हुई कि गॉड द सन इज इक्वल टू गॉड द फादर, और उसका ट्रिगर एरियस की बात पर बना, तो एरियस ने अपोज किया था इस आइडिया को शुरू से कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो और ये काफी आर्गुमेंटेटिव तो गलत ही लगता है, लेकिन जो भी हुआ आखिरकार उन्होंने ये फाइनलाइज किया और ये नाइसियन क्रिश्चियनिटी को नाम दे दिया गया कि अब जो ये क्रिश्चियनिटी की बेसिस बनी ना उसको नाइसियन क्रिश्चियनिटी कहते हैं, मतलब वो नाइसिया से निकली। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी है, अदर क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन नाइसिया से निकली तो उसको नाइसियन क्रिश्चियनिटी कहा जाए इस सेंस में, ये भी वर्ड यूज शायद वो। और ये कॉन्स्टेंटीन के दौर में हो रहा है, तो एक तो ये एडिक्ट ऑफ मिलान भी काउंसिल ऑफ नाइसिया हुआ जिसमें इतना बड़ा एक चेंज आया, और आखिरकार कॉन्स्टेंटीन के दौर में जो सबसे बड़ी चीज हुई कि आप पहले राइट कर दिया था इस के चार एम्परर होंगे। अब इसने क्या किया कि कॉन्स्टेंटीन पहला एम्परर था जो कि बड़ा एम्परर था ना, और वो जो वीटो कर सकता था बाकी चारों को, उसने आखिरकार अपना कैप वो किया फ्रॉम रोम टू वो कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया। रेड में जहाँ रोम है ना वो यहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया। ये भी बात हमने कॉन्स्टेंटिनोपल को बड़ा क्लोजली देखा जो कि आज का इस्तंबुल है, यहाँ वो चला गया। पहले इस जगह का नाम बिजेंटियम था, अब ये भी करेक्शन कर दूंगा, मैंने तब वहां ये बात गलत की थी कि इसका नाम बिजेंटियम था और बिजेंटियम से इसका नाम कॉन्स्टेंटीन ने जाके रखा, कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं रखा था उसने इसका नाम, उसने इसका नाम रखा था नोवा रोम। नोवा रोम का मतलब न्यू रोम, वो पहले रोम था और फिर इसने बिजेंटियम की जगह का नाम रखा नोवा रोम, और नोवा रोम रखने के बाद इस जगह का नाम इसने आखिरकार बिजेंटियम को नोवा रोम रखा। और जब कॉन्स्टेंटीन मर गया ना तो ये इतना पॉपुलर था और पहला क्रिश्चियन एम्परर था, तो इस जगह को कॉन्स्टेंटीन के ऊपर नाम दे दिया, नोवा रोम से इसका नेम चेंज हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल, और फिर ये काफी हजारों साल के लिए इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल ही रहा। और फिर जब मुसलमानों ने ये इसकी है, पहले बिजेंटियम था फिर नोवा रोम नाम रखा गया, फिर कॉन्स्टेंटीन की डेथ के बाद उसको कॉन्स्टेंटिनोपल नाम दिया गया, और फिर आखिरकार ये इस्तंबुल अब ना बोला जाता है, इसका नाम इस्तंबुल है। सो यहाँ तक ये तो ये दो मेजर काम किए। तो उसने क्या किया कि उसने अब रोम से यहाँ से उसने मूव किया पावर, जो सीट ऑफ एम्परर थी उसने आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल में मूव की। तो अब जो एम्परर दो ही थे, अभी भी टेक्निकली चार एम्परर थे पर मेनली दो को एम्परर थे, को एम्परर और बड़ा एम्परर जो वीटो का था। जो वीटो एम्परर था वो पहले रोम में होता था, शुरू से रोम में होता था, अब वो वीटो वाला एम्परर चला गया कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर, और जो ये को एम्परर है वो आ गया वेस्ट के अंदर रोम के अंदर। तो रोम जो है वो एक लेसर पावर बन गया एज कम्पेयर टू ये आपके ईस्टर्न हिस्से के, और ये अब दो सेक्शन बन, ये एक ही एम्परर मेनली रूल कर रहा है इसको, चारों रूल कर रहे हैं लेकिन जो मेन पावर का बड़ा एम्परर है वो ही रूल कर रहा है, और अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हुआ है इस हिसाब से। अभी ये नहीं हुआ कि बिल्कुल अलग हो, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हालात उस तरफ जा रहे हैं कि ये बिल्कुल दो सेक्शन में अलग कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि आता है थियोडोसियस। थियोडोसियस जो है वो 347 में कॉन्स्टेंटीन के थोड़े अरसे बाद ये एम्परर बनता है, और ये 347 AD में एम्परर बन जाता है, और जब थियोडोसियस एम्परर बनता है तो ये एडिक्ट ऑफ थेसेलोनिका पास करता है। ये भी मैं दिखा देता हूँ, इसने ये 380 AD में जाके एडिक्ट ऑफ थेसेलोनिका पास किया। थेसेलोनिका भी एक एरिया का नाम है, और वहाँ पे इसने बेसिकली ऑर्डर, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑर्डर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर, कि वो बेसिकली जो नाइसियन क्रिश्चियनिटी है ना वो स्टेट रिलीजन बन जाएगा रोमन एम्पायर। जो क्रिश्चियनिटी है उसको आखिरकार पहले लीगलाइज किया था एडिक्ट ऑफ मिलान में, और अब एडिक्ट ऑफ थेसेलोनिका के अंदर उसको ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर बना। तो विद इन जस्ट 50 ईयर्स क्रिश्चियनिटी पहले लीगलाइज हुई और उसके बाद ऑफिशियल रिलीजन भी बन गई रोम का, और बहुत जल्दी स्प्रेड की पूरे थ्रू आउट द रोमन एम्पायर। और यहाँ पे एम्पायर अपनी आखिरकार, ये हम क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं कि अब क्रिश्चियन से जरा बात हटाएंगे और हम देखेंगे कि अब आउटसाइड क्या हो रहा था।
तो हमने ये बात कर ली कि रोम के अंदर क्या हो रहा था, हमने रोमन एम्पायर की बात कर ली, हमने क्रिश्चियनिटी की भी तरफ की साथ साथ देख ली इसी पीरियड में। अब आउटसाइड भी मामला चल रहे थे थ्रू आउट दिस पीरियड जो कि हमने कवर करना, उसमें ये था कि ये जो एरिया है ना गैलिया जिसका लिखा हुआ है येलो में, गॉल्स भी इसको कहा जाता है, ये जर्मनी का एरिया बेसिकली, यहाँ ऊपर जर्मेनिक पीपल भी इन्होंने लिखा हुआ। जर्मेनिक पीपल जो थे जिनको गॉथ्स भी कहते हैं, GOTH गॉथ्स, ठीक है, गॉथिक ट्राइब, ये गॉथिक ट्राइब का मतलब होता है जर्मेनिक पीपल, जर्मनी के लोग थे, जर्मनी के कबीले थे, ये शुरू से रोमन के पक्के दुश्मन थे और ये रोमन से जंग करते होते थे और ये बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, जूलियस सीजर के जब मैंने स्टोरी बताई थी उसमें भी मैंने बताया था कि वो ज्यादातर उसकी जंगें जो थी वो गॉल्स के खिलाफ हो रही थी, वो गॉल से लड़ रहा था, गॉथिक ट्राइब से लड़ रहा था ये जर्मेनिक पीपल से। तो ये एक ही चीज़ है, गॉल्स बेसिक गॉल इलाका है, वहां पे जर्मेनिक ट्राइब्स रहते थे जिनको गॉथिक ट्राइब्स भी कहा जाता है या गॉथ्स कहा जाता है। और यहाँ पे ये बहुत इनकी लड़ाइयाँ चली, लेकिन अब एक आउटसाइड फोर्स आई, जैसे कि उस दिन हमने सी पीपल डिस्कस किया था उस तरह ही एक और ग्रुप ऑफ पीपल आए, आयरॉनिकली ये सेंट्रल एशिया से आए और नॉर्दर्न यूरोप से, तो ये भी एक मंगोलों की तरह की एक फोर्स थी जो सेंट्रल एशिया से और नॉर्दर्न यूरोप से आई, हंस कहा जाता है, HUN नजर आ रहा होगा, हन एम्पायर लिखा हुआ वैसे तो इन्होंने, लेकिन हंस कहते हैं इनको। ये अराउंड दिस टाइम, ये अभी अब ये जहन में रखें कि अभी ये कॉन्स्टेंटीन वाला दौर चल रहा है और साथ साथ ये सारा कुछ अंदर ही चल रहा है, बाहर के मैं थोड़ा मामला जूम आउट कर रहा हूँ कि हंस एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि मंगोलों की तरह के ग्रुप थे, नोमैडिक थे, मतलब ये कबायली लोग थे और ये इन्वेडर्स भी थे, जैसे मंगोल थे बिल्कुल समझे, अर्ली मंगोल यही थे, ये नहीं कह रहा कि शक्लो सूरत के या उस जगह से नहीं आए थे, लेकिन उनकी जैसा इन्होंने अटैक किया था। तो ये हंस थे और इन्होंने हमला किया था और ये सेंट्रल एशिया से आए थे और ये वन ऑफ दोज वही पीपल जो सेंट्रल एशिया से आते हैं और बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, और इन्होंने आके जितने ये जो ट्राइब्स थे ना जर्मेनिक ट्राइब्स जो मैंने दिखाए थे, जो गॉल्स जिनको कहते हैं, जिनको गॉथिक ट्राइब्स कहते हैं, उनको इन्होंने ना पुश कर दिया, उनके उनके लैंड ऑक्यूपाई कर लिए, ये जो पर्पल में इतना बड़ी इन्होंने एम्पायर बना लिया अपना, और इन्होंने ना पुश कर दिया जितने ये ट्राइब्स थे जर्मेनिक ट्राइब्स को, उनको रोमन एम्पायर के अंदर पुश कर दिया। अब ये जहन में रखिएगा कि ये गॉथिक ट्राइब्स जो थे रोमन एम्पायर के बड़े पक्के दुश्मन थे, लेकिन हंस के आने की वजह से और उनके मुसलसल हमलों की वजह से हुआ ये कि यही ट्राइब्स जो बड़े दुश्मन थे रोमन के, वो रोमन के पास मदद मांगने आए कि हमें रिफ्यूज दें, हमें रहने की जगह दें, और हम पे हमला हो रहा है हंस की तरफ से। सो रोमन ने उनको इजाजत तो दे दी रोमन एम्पायर के अंदर आने की, और वो रोमन एम्पायर में आके सेटल तो हो गए ये लोग जो कि गॉल्स थे, ये जो कि गॉथ्स थे या जर्मेनिक पीपल थे, वो सेटल तो हो गए, लेकिन क्या हुआ कि रोमन जो थे उन्होंने इनको बहुत रिफ्यूजीज के तौर पे इनको बहुत जलील किया, इनको बहुत तंग किया, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने आखिरकार पहले दुश्मनी बहुत जैसे थी इनकी, तो इन्होंने जंग स्टार्ट कर दी। अभी रोमन एम्पायर के अंदर दाखिल हो गए जो इतने साल से होना चाह रहे थे, और ये नहीं था कि इनका प्लान था, लेकिन ये दाखिल हो चुके थे बाई चांस, और फिर इनको रोमन ने जो इनके साथ चीज की उस वजह से इनको गुस्सा आया और इन्होंने जंग शुरू कर दी रोमन के खिलाफ। और अब इन्होंने जब जंग शुरू की तो उसको गॉथिक वॉर्स कहा जाता है, और ये तकरीबन 249 में शुरू हुई है, तो ये कॉन्स्टेंटीन से भी पहले जंगें शुरू हो गई थी, तो ये मैं बता रहा हूँ बहुत पुरानी बात है, ये कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियनिटी कबूल होने से बहुत देर पहले ये वाकया शुरू हो चुके थे, ये अंदर लड़ाइयाँ साथ साथ, क्योंकि हमने फॉल ऑफ रोम में कहा था साइमल्टेनियसली बहुत सारे हालात खराब हुए थे, बहुत सारी चीजें खराब हुई, तो उसमें ये भी था कि गॉथ्स जो थे वो दाखिल हो गए थे और वो हमले कर रहे थे, और गॉथिक वॉर स्टार्ट हो गई थी 249 AD में, और रोमन एम्पायर के फॉल करने के 100 साल बाद तक ही चलती रही थी, क्योंकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर्पल वाला जो है वो तो था अभी तक। इनकी इन्होंने वॉर शुरू की और गॉथिक वॉर्स कहा जाता है, और इन्होंने हमले किए वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे भी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे भी, और जब हालात ज्यादा खराब हुए ना तो आखिरकार रोमन ने डिसाइड किया कि वो कैपिटल मूव करेंगे रोम से ना, क्योंकि एक तो कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल था, दूसरा कैपिटल रोम था वेस्ट का, वो कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्ट का कैपिटल था, वेस्ट का कैपिटल रोम था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलान की तरफ, मिलान को कैपिटल बनाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है, अभी हमने एडिक्ट ऑफ मिलान की बात की ना कि यहाँ पे मुआहिदा हुआ था वो वाला जिसमें क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया गया। रोमन जो रोमन कैपिटल था वो रोम से चला गया मिलान में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल, और फिर मिलान से वो चला गया रवेना के अंदर जो कि दरमियान में आता है मिलान और रोम के दरमियान में, रवेना, क्योंकि रवेना डिफेंड करना आसान था, रोम बिल्कुल समंदर के करीब था और हालात इसलिए अगर कुछ भी हमला होता तो इनको बड़ी जल्दी से इन पे अटैक हो जाना था, और इन्होंने मैप पे बड़ा अच्छा दिखा दिया कि ऊपर हंस हैं जिन्होंने सारा ये मामला जिनकी वजह से खराब हुए हैं, और अंदर ये गॉथ्स हैं, ये सारों के नाम के एंड पे ये ऑस्ट्रोगॉथ्स लिखा हुआ है,
ये विजिगॉथ्स हैं, तो ये गॉड्स नहीं है, ये जहन में ये रखें, ये वो बारबेरियंस हैं जिनका मैंने जिक्र किया था फॉल ऑफ रोम के अंदर, या आगे अगर आप सुनेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी, ये वो बारबेरिक ट्राइब्स ही, गॉथ्स, ये जर्मेनिक ट्राइब, ये इन्होंने हमला शुरू किया। और इन्होंने क्या किया कि अराउंड 410 AD में ना इन्होंने रोम पे हमला किया। अब रोम कैपिटल नहीं था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, लेकिन रोम इनकी हेरिटेज तो था, रोमन एम्पायर इसका नाम अभी तक रोमन एम्पायर ही था, तो इन्होंने रोम को तबाह कर दिया अराउंड 410 AD में। और फिर इसके बाद इन्होंने 455 में दोबारा हमला किया एक और जर्मेनिक ट्राइब ने, जिनको वैंडल्स कहते हैं, जो नीचे अफ्रीका के अंदर है, और इन्होंने रोम पे दोबारा हमला किया, और 455 में इन्होंने रोम को दोबारा तबाह किया। और फिर आखिरकार 476 में ओडुएसर जो था ना, एक जर्मेनिक लीडर था, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिकली वो एक बड़ा जर्मेनिक रूलर था, उसने आखिरकार हमला किया पूरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे, और रवेना जो था, जो अब हेड था, मतलब कैपिटल था इसका वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसको तबाह कर दिया। और रोम तो पहले ही तबाह हो गया ना 455 में, और 476 में रवेना भी तबाह हो गया। इन अदर वर्ड्स वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 AD में ये पूरा रेड जो चंक नजर आ रही है, सारी जो है ये गॉड्स के हवाले कर दी गई, मतलब गॉड्स ने इसको टेक ओवर कर लिया, और ये डिफरेंट गॉथिक जो ट्राइब्स थे, जर्मेनिक ट्राइब्स थे, उन्होंने ये यहाँ पे किंगडम्स बना लिए अपने छोटे छोटे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर हमने बताया था कि वो आगे अगले 1000 सालों के लिए रहेगा, और वो फिर अपनी कंटिन्यू करेगा, और उसकी जंग होती रहेगी जर्मेनिक ट्राइब के साथ भी, उधर पर्जियन एम्पायर के साथ भी, दूसरी तरफ, और इवेंचुअली इस्लाम की इमर्जेंस होगी तो मुसलमानों के साथ। अब यहाँ तक हमारा लेक्चर था, अभी कोई अगर सवाल है तो पूछ लें, या कोई कंफ्यूजन हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम। अच्छा जरूर, मैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो यानी उस पे हमले करते रहे लेकिन वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ वहां पे उनकी बिल्कुल हाँ हुकूमत जी, को। वो खत्म नहीं हुआ इनसे, वो खत्म नहीं अच्छा हुआ, अच्छा लेकिन और वो वेस्टर्न रोम बिल्कुल खत्म हो गया वेस्टर्न रोम जहाँ खत्म इन्होंने हो गया। अपना अरे कैपिटल वेस्ट शिफ्ट किया था, हाँ जी जिसके अंदर इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया पहले। हाँ, बेसिकली रोम पहले तबाह हुआ, और फिर वेना जो यहाँ कैपिटल नया बनाया था वो भी तबाह हो गया, वेस्टर्न हिस्सा जो है ना तबाह हो गया, और ये जो रेड में हम नजर आ रहे हैं ये टोटल एम्पायर बचा, जो कि ठीक सही है। 117 में इतना बड़ा एम्पायर था, उसके सिर्फ ये सेक्शन बचा समझे। और अब इस इमेज को अगर आप जहन में रखें तो हम देखेंगे कि इस इमेज के अंदर कि वो सारे इलाके चले गए इनके हाथ से, सिर्फ ये रेड सेक्शन, छोटा सा सेक्शन रोम का बचा, तो तकरीबन 200 साल के अंदर रोम के हालात में, उसके रोम के ये हालात हो गए थे, और वो इट्स लिमिटेड हो गया था ईस्टर्न साइड का। बाद में उन्होंने कोशिश की थी रोम को टेक ओवर करने में, हमने उसका जिक्र किया था अगले फॉल ऑफ रोम के लेक्चर में, कि एम्परर जस्टिनियन ने क्या किया था, और उसने टेक ओवर किया था टेम्परेरली, उसने ले लिया था गॉथिक ट्राइब से वापस रोम, फिर रोम चला गया, मतलब परमानेंटली रोम किसी के हाथ में नहीं रहा, रोम बस 476 में बिल्कुल ही इनके हाथ से निकल गया था, रोमन्स के हाथ, और इसलिए वो फिर बैजेंटीन एम्पायर का नाम उसको दे दिया ना। ठीक, तो ईस्टर्न एम्पायर में क्या ऐसी वजह थी, मतलब जो रोमन ईस्टर्न था कि वो नहीं दबा हुआ, मतलब ईस्टर्न एम्पायर में अटैक तो था उन्होंने वो, भी किया था, उसके ऊपर भी किया था ना एट द एंड, उसने जर्मेनिक किलर ने। बिल्कुल बिल्कुल किया था अटैक ने, हमला तो उन्होंने किया था, लेकिन जो इनका मेन कंसंट्रेटेड अटैक था वो इधर था, बिकॉज ये यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी और ये वाले इलाके यहाँ के करीब एरियाज हैं, तो इधर ज्यादा हमला हुआ था एज कम्पेयर टू दैट एरिया, उधर भी हमला हुआ, उनके एम्परर भी मरे, लेकिन वो एरिया मैंने बताया था रिसोर्सेज में भी रिच था, और वहाँ पे मेन हेड जो एम्परर, जो पावरफुल एम्परर था वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया था, जो छोटा एम्परर था वो इधर ईस्ट वेस्ट में रह गया था, और जो बड़ा एम्परर था वो उधर था, और इनके पास एडवांटेज था सराउंडिंग का भी, क्योंकि समंदर था, एरियाज थे ये सारे, और ग्रीक सिटी स्टेट्स यहाँ पे आती हैं, ग्रीस नजर आ रहा होगा आपको, तो उनको काफी सारे जोग्राफिकल एडवांटेज भी थे एज कम्पेयर टू रोम जो जहाँ पे सिचुएटेड, तो ये भी था, बट मेन उनका जो हदफ था वो रोम को टेक ओवर करना था, बिकॉज उनका ये उनके इलाके थे ना सारे, तो उन्होंने इनको टेक ओवर किया।